इनफैक्ट मैं आई एफ ओ एस को ना मिनी पी जी बी पी भी बोलता हूँ इट्स अ मिनी इट्स अ एचर ऑफ पी जी बी पी रीजन बींग बिल्कुल पी जी बी पी जैसे कंसेप्ट हैं यहाँ पर जैसे पी जी बी पी में सेक्शन ट्वेंटी एट है चार्जिंग सेक्शन ऑफ पी जी बी पी यहाँ पर फिफ्टी सिक्स है आई एफ ओ एस के लिए फिर पी जी बी पी में आते हैं सेक्शन थर्टी से लेकर थर्टी सेवन डिडक्शन विच आर अलाउड अंडर पी जी बी पी यहाँ पर एक ही सेक्शन है फिफ्टी सेवन फिर हम लोग पी जी बी में बातें करते थे फोर्टी स्मॉल ए एक्सपेंसिस नॉट अलाउड अगर आपने बिना टी डी एस के पेमेंट कर दी है या फिर 2 जैसे पढ़ते थे कि अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन को party को पार्टी पेमेंट कर रहे हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा मत कीजिए अगर ज्यादा करेंगे तो डिसअलाउड हो जाएगा फोर्टी ए थ्री में पढ़ते थे टेन थाउजेंड से ज्यादा की पेमेंट एक दिन में कर दी है तो डिसअलाउड है और बिल्कुल सेम सिमिलर कंसेप्ट है सेक्शन फिफ्टी में डिडक्शन्स नॉट अलाउड आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर दिए बिना टी डी एस डिडक्ट करे या फिर जिसके ऊपर टी डी एस डिडक्ट होना था डोमेस्टिक पेमेंट कर दिए आपने तो थर्टी परसेंट डिसअ अलाउ कर देंगे तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट फिफ्टी एट में कहता है फोर्टी वन डीम्ड पी जी बी पी इनकम होती है ठीक है जब कभी भी आपका कोई पुराना एक्सपेंस है बेड डेट्स है रिकवर हो जाए तो डीम्ड पी जी बी पी इनकम थी सिमिलर कंसेप्ट डीम्ड आई एफ ओ एस के फिफ्टी नाइन में तो मुझे इसको आ, मैं हमेशा कहता हूँ कि पी जी बी पी आपको आता है तो ऑलमोस्ट आपको समझ लीजिए आई एफ ओ एस तो आई ही क्या ठीक okay. है ओके कमिंग टू फर्स्ट है चार्जिंग सेक्शन 56 सिक्स इनफैक्ट थोड़ा सा मैं और डिटेल में अगर जाता हूं तो 56 के एक्चुअली दो पार्ट हैं फिफ्टी सिक्स वन एंड फिफ्टी सिक्स दोनों ही चार्जिंग सेक्शन है बट 56 सिक्स uh, टू की बातें कर लेते हैं पहले फिफ्टी सिक्स टू है स्पेसिफिक इनकम कुछ स्पेसिफिक इनकम है जिसको हमेशा बोला गया कि ये ऐसी इनकम तो आई एफ ओ एस की ही मानी जाती है is very specific charging section. यहां पर हम देखते हैं हैं, कि कि में कुछ capital भी होती जो ने बोल दिया कि उसको हम टेक्सीबल करेंगे इनफैक्ट जब हम फिफ्टी सिक्स वन की बातें करते हैं तो इट्स जनरल चार्जिंग सेक्शन जनरली अंडरस्टैंड कि यहां पर कुछ कंडीशंस हैं, कि अगर आप ऐसी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो ऐसी इनकम आई एफ ओ एस की मान ली जाती है तो 56 जब हम चार्जिंग सेक्शन पढ़ते हैं तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फिफ्टी सिक्स जनरल चार्जिंग सेक्शन फिफ्टी सिक्स स्पेसिफिक इनकम विच इज चार्जेबल अंडर दिस हेड आईएफओएस ठीक है सबको समझ में आ रहा इतनी है इतनी बातें फिफ्टी सिक्स जनरल चार्जिंग सेक्शन इनकम मस्ट बी मस्ट बी मस्ट बी कवर्ड अंडर एनी ऑफ द फोर हेड्स मस्ट नॉट बी कवर्ड अंडर एनी ऑफ द फोर हेड्स कि अगर आपकी कोई भी ऐसी इनकम है जो सैलरी में है या फिर हाउस प्रॉपर्टी में पीजीबीपी में या कैपिटल गेन में कवर्ड हो रही है तो उसको प्लीज आईएफओएस में मत लाइएगा बिकॉज ऐसी इनकम के लिए अगर स्पेसिफिक हेड्स बने हुए हैं देखिए नाम से समझिए ना नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अदर सोर्सेज का मतलब है, अगर आपका सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी या कैपिटल गेन से ऑलरेडी आपको पता है कि ऐसी इनकम आ रही है तो वी हैव अ स्पेसिफिक हेड्स फॉर दैट अगर चारों हेड्स में कवर्ड नहीं होता तब आप इसको आईएफओएस में लेकर आ सकते हैं दूसरा बात फिफ्टी सिक्स वन कहते हैं कि दैट इनकम इनकम मस्ट बी रेवेन्यू इन नेचर अब क्वेश्चन ये आता है हमारा सर क्या कैपिटल में नहीं आती आ सकती है कैपिटल इनकम भी आई एफ ओ एस में आ सकती है वो फिफ्टी सिक्सिफिकली मैं बट फिफ्टी सिक्स वन इज फॉर रेवेन्यू इनकम रेवेन्यू टाइप्स ऑफ इनकम जो किसी भी चारों हेड्स में कवर्ड ना हो और साथ के साथ एग्जम्प्ट भी ना हो इट शुड नॉट बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन टेन क्योंकि फॉर अगर आपकी कोई रेवेन्यू इनकम है जो चारों हेड्स में नहीं आई बट

इनकम है जो हमेशा आई एफ ओ एस में ही आएंगे तो फिफ्टी सिक्स टू ने बोल दिया है कि कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिसको आप आ, कोई डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है आप सीधा इनकम आई एफ ओ एस में लेकर आइएगा जैसे कि डिविडेंट इनकम तो इन केस अगर हमारे पास डिविडेंट इनकम आ रही है ठीक है हमारी डिविडेंट इनकम आ रही है तो ऐसी डिविडेंट इनकम को आप हमेशा आई एफ ओ एस की इनकम ही मानेंगे ठीक है और क्या ये टैक्सेबल है द आंसर इज यस टैक्सेबल है पहले हम बड़ा करते थे कि फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो टैक्सेबल होता है है डोमेस्टिक कंपनी से से मिलता है, तो टैक्सेबल नहीं होता है बिकॉज कंपनी इसके ऊपर टी पे करती है बट अब वो कंसेप्ट भी नहीं है नाउ इट इज अरेन डिविडेंट और डोमेस्टिक डिविडेंट जब भी शेयर होल्डर को ये डिविडेंट मिलेगा इंक्लूडिंग डीम डिविडेंट ठीक है जब कभी भी ये शेयर होल्डर को डिविडेंट मिलेगा नाउ इट इज टेक्सिबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर ठीक है शेयर होल्डर के हाथों में टेक्सीबल होगा एंड इट विल बी कवर्ड अंडर एक थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं लेट्स से इज अ स्टॉक ब्रोकर ठीक है स्टॉक ब्रोकर का काम क्या होता है शेयर्स खरीद रहे हैं शेयर्स बेच रहे हैं ठीक है, है. तो इनकम कौन सी होगी शेयर्स खरीद के बेचने की इनकम होती है पीजीबीपी बट अगर उसको uh, इन ऐसे ट्रा, uh, ट्रांजेक्शन करते हुए कुछ दिन तक उनके पास शेयर्स थे और उनको डिविडेंड मिल गया तो प्लीज बताइए वैसा डिविडेंड जो शेयर स्टॉक ब्रोकर को मिला है इज इट देयर पी जीवी इनकम और आई एफ ओ एस द आंसर इज आई एफ ओ एस इनकम इनकेस नॉर्मली इन्वेस्टर को डिविडेंड मिल जाए तो भी आई एफ ओ एस स्टॉक ब्रोकर को मिल जाए तो क्योंकि डिविडेंड इनकम को साफ साफ लिखा हुआ है इट विल बी ट्रीटेड एज योर आई एफ ओ एस इनकम ठीक है दूसरी इनकम की हम क्या बातें कर रहे हैं फिफ्टी सिक्स टू चार्जिंग सेक्शन ही है बट कुछ स्पेसिफिक इनकम है जो हमेशा आई एफ ओ एस में ही जाने वाली है कैजुअल इनकम कैजुअल इनकम कैसी होती है जो विंडफॉल गेम्स होते हैं लॉटरी लग जाए आप कौन बनेगा करोड़पति गेम शो क्विज ठीक है इस तरीके से जाएं तो आ, या फिर कोई क्रॉसवर्ड पजल है वहां से आपकी इनकम आ जाती है तो इस तरह की इनकम कैजुअल इनकम होती है एंड यू अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर थर्टी परसेंट का टैक्स रेट लगता है कैजुअल इनकम के ऊपर थर्टी परसेंट का टैक्स रेट है और आपको याद होगा कि इसमें से कोई डिडक्शंस भी अलाउड नहीं होती कैजुअल इनकम से आप कोई भी एक्सपेंस अगर आपने किए भी हैं तो कैजुअल इनकम से वो एक्सपेंस अलाउड नहीं होते वो बात है हम अभी हाँ पर करेंगे भी ओके गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स और रिलेटिव ठीक है अब देखिए गिफ्ट हमें कहां, कहां से मिल सकते हैं अगर गिफ्ट हमें इंप्लॉयर से मिलते हैं तो दैट इज सैलरी वो हमारी सैलरी इनकम होती है बट इनकेस अगर हमें गिफ्ट मिलते हैं अपने क्लाइंट से या कस्टमर से ठीक है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर बिजनेस ठीक है अगर हमें बिजनेस कोर्स में गिफ्ट मिलते हैं तो पी पे इनकम होती है दोबारा तो से रिपीट कर रहा हूं गिफ्ट अगर हमें अपने एम्प्लॉय से मिले तो सैलरी इनकेस अगर वो हमारे क्लाइंट से या कस्टमर से हमें गिफ्ट मिले इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो वो हमारे पी पे इनकम होती है और अगर हमें अदर से वो हमारा कोई बिजनेस नेचर के गिफ्ट्स नहीं है वो हमारा सैलरी के नेचर के नहीं है तो अदर गिफ्ट हमारे आई एफ ओ एस में चला जाता है तो कौन लोग देख सकते हैं हमें गिफ्ट हमारे दोस्त हमें गिफ्ट दे सकते हैं ठीक है इट कुड बी मूवेबल गिफ्ट इट कुड बी इमूवेबल ठीक है इट कुड बी कैश इट काइंड तो ऐसे गिफ्ट हमारे टेक्सेबल होते हैं अंडर आई एफ ओ एस हमारे रिलेटिव हमें गिफ्ट दे सकते हैं तो रिलेटिव से गिफ्ट भी आई एफ ओ एस में आते हैं बट कुछ रिलेटिव से जब हमें गिफ्ट मिलते हैं तो वो क्लोज रिलेटिव हैं कुछ अभी हम डिस्कस भी करेंगे गिफ्ट के बारे में तो वो रिलेटिव से गिफ्ट एग्जाम होते हैं ठीक है तो आते तो गिफ्ट हमेशा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो आई एस में आते से गिफ्ट्स होते हैं बट रिलेटिव किस -किस से ले सकते हैं गिफ्ट्स? जो होंगे, अभी डिस्कस कर लेंगे ठीक है क्या कर रहे हैं हम लोग सर आई एफ ओ एस कर रहे हैं अरे सेक्शन बताइए फिफ्टी सिक्स ठीक है फिफ्टी सिक्स वन जनरल चार्जिंग सेक्शन सिक्स टू स्पेसिफिक इनकम चार्जेबल अंडर आई एफ ओ एस आई एम सो सॉरी एनी सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडेशन और इन 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 एडिकुएट कंसिड्रेशन इट्स अ काइंड ऑफ गिफ्ट अगर हमें कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है ठीक है जिसके हमने कोई पैसे पे नहीं किए दैट इज अगेन अ गिफ्ट या जिसके हमने कम पैसे पे किए तो वो भी गिफ्ट हो सकता है ठीक है उसको भी हम गिफ्ट के नेचर में ही देखते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस कर ली है कम पैसों में तो इसको भी इनकम माना गया आई एफ ओ एस की सर ये कैसे मानते हैं तो अभी मैं इसकी बातें गिफ्ट में ही कवर करूंगा ठीक है अगर आप इनएडिकुएट कंसिडरेशन पे करते हैं तो भी हम आपकी इनकम मान लेंगे कितनी मानेंगे थोड़ी देर में देखते हैं ओके अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन सी होती है जो लिस्टेड कंपनीज नहीं होती लाइक प्राइवेट कंपनीज या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज तो कोई क्लोजली हेल्ड कंपनीज है उन्होंने शेयर इशू करे हैं फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा के प्रीमियम पर इशू करें तो जितना ज्यादा पर वो इशू करें हैं दैट इज अगेन देयर इनकम ठीक है आई ओ की इनकम मानी गई है इंटरेस्ट रिसिव ऑन डिलेड कंपनसेशन हमने लास्ट चार्ट रिविजन में पढ़ा था कैपिटल गेन में ठीक है अगर किसी का भी कैपिटल सेट कंपल्सरी एक्वायर होता है उसको कंपनसेशन मिलती है ठीक है बट अगर वो कंपनसेशन उसको लेट मिले या फिर उसको एनहांस कंपनसेशन मिलनी है वो लेट मिले तो उसके चलते उसको इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट तो दैट इंटरेस्ट इज टेक्सिबल इंटर आई एफ ओ एस स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि फिफ्टी सिक्स टू ने कहा है कि ऐसी इनकम को आप आई एफ ओ एस की इनकम मानिएगा और अगर आपको याद होगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे इंटरेस्ट के ऊपर ऐसे इंटरेस्ट के ऊपर फिफ्टी परसेंट फ्लैट डिडक्शन भी मिलती है ठीक है एडवांस मनी पढ़ा था ना सेक्शन फिफ्टी वन आज जो भी एडवांस मनी फोरफीट करते हैं डेट क्या थी वन फोर टू थाउजेंड फोर्टीन या उसके बाद जो भी एडवांस मनी फोरफीट करते हैं वो डायरेक्टली आप आई एफ ओ एस की इनकम बन जाएगी ठीक है अगर आप प्लांट मशीनरी या फर्नीचर वगैरह किराए पर देते हैं ठीक है तो अगर ये आपका बिजनेस है अगर फर्नीचर किराए पर देने का या मशीन किराए पर देने का अगर आपका बिजनेस है तो ये आपकी इनकम हो जाती है पीजीपी पी बट अगर आपका ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है पीजीपी में टैक्सीबल नहीं है तो ये आई की इनकम बन जाती है अगर आप बिल्डिंग रेंट पर दें सर हाउस प्रॉपर्टी इनकम है ठीक है बिल्डिंग रेंट पर देना हाउस प्रॉपर्टी इनकम बट अगर आप बिल्डिंग रेंट पर दें बट साथ साथ में आप इसके साथ मशीन्स या प्लांट मशीनरी या फिर फर्नीचर भी रेंट पर दे रहे हैं ठीक है और आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते बिल्डिंग और मशीन्स वगैरह को आप सेपरेट नहीं कर सकते आप इसको एक साथ ही रेंट पर देना पड़ेगा तो ये आपकी आई एफ ओ एस की, की इनकम बनती है हाँ बट अगर ये आपका बिजनेस नेचर की इनकम है ठीक है प्लांट मशीनरी वगैरह किराए पर देना आपका बिज़नेस था तो पी जी बी पी बट अगर ये बिज़नेस नहीं था तो ये पूरी की पूरी इनकम आई एफ ओ एस की बन जाती है ठीक है लिखा है रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एटसेट्रा विच इज नॉट सेपरेबल नॉट सेपरेबल मतलब अगर आपको रेंट पर देना है तो आपको दोनों को एक साथ ही देना पड़ेगा अलग अलग आप रेंट पर नहीं दे सकते हैं अगर अलग अलग रेंट पर दे सकते हैं तो फिर जितना बिल्डिंग से इनकम आती है वो हाउस प्रॉपर्टी जितना प्लांट मशीनरी और फर्नीचर से इनकम आती है तो दैट इज़ आई एफ ओ एस हाँ अगर मशीनरी या किराए पे देने का आपका बिजनेस है तो फिर वो पी जी बी भी बन जाएगी ठीक है अगर आप सेपरेट कर सकते हैं तो बट अगर आप सेपरेट नहीं कर सकते तो फिर पूरी की पूरी इनकम आई एस की बनेगी बट अगर वो आपके बिज़नेस नेचर की तो पी जी बी भी बनेगी फिर आई ओ एस मत बनाइएगा तो साफ साफ लिखा हुआ है इफ़ इट इज़ नॉट चार्जेबल अंडर पी जी बी अगर पी जी बी का बिज़नेस नहीं है आपका इस तरीके का तो आई एफ ओ एस बना दीजिएगा कुल मिला के टैक्सीबल तो है वो इनकम ठीक है ये तो बड़ा भाई टेक्सीबल करेगा पीजीबीपी या छोटा भाई टेक्सीबल करेगा आई एफ ओ एस ठीक है बिकॉज उसी का बिल्कुल मेन है ये चलिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बातें करते हैं आई में सबसे ज्यादा मेन टॉपिक यही रहता है टेक्सीबिलिटी ऑफ गिफ्ट जो तो हमें गिफ्ट मिलते हैं उसको हम टेक्सीबल कैसे करेंगे तो मैंने इसके लिए एक चार्ट बनाया है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये चार्ट्स कैसे लग रहे हैं ठीक है तो क्योंकि आपका फीडबैक आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे लग रहे हैं तो अच्छे बताइएगा अच्छे नहीं लग रहे तो प्लीज वो भी बताइएगा कि क्या आपको अगर इसमें कुछ चेंज तो okay, uh, करना है तो आई विल आल्सो चेंज दैट पर्टिकुलर थिंग ठीक है ओके कमिंग बैक टैक्सिबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स टैक्सिबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स क्योंकि दिस चार्ट प्रिपरेशन पूरा चैप्टर को समराइज करना दैट टू इन गुड शेप चार्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी मेहनत लग जाती है इनफैक्ट कभी कभी होता है क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारे चार्ट मुझे खुद ही बनाने हैं ठीक है मैं खुद ही बनाऊँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं किसी दूसरे को नहीं बोल सकता अपने स्टाफ को बनाने के लिए क्योंकि वो चीज़ें मिस हो सकती हैं तो इसलिए मैं कोश पूरा का पूरा चार्ट्स ऑलमोस्ट मेरा ही टाइम इसमें कंज्यूम होता है कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे सिर्फ एक पेज बनाने के लिए इट टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम गुड अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब एक एक दिन भी लग जाता है तो इट्स ओके तो प्लीज डू लेट मी डो हाउ यू आर फाइंडिंग दीज चार्ट्स ठीक है आई एम सो सॉरी टेक्सीबिलिटी ऑफ गिफ्ट कैश गिफ्ट गिफ्ट को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे कैश गिफ्ट मूवेबल गिफ्ट एंड इमूवेबल गिफ्ट दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कैश गिफ्ट्स मूवेबल गिफ्ट और इमूवेबल गिफ्ट तो जब कभी भी हमें कैश गिफ्ट मिलते हैं उसको प्लीज अलग खींचेगा मूवेबल गिफ्ट मिलते हैं तो अलग खींचेगा सर मूवेबल गिफ्ट क्या मिल सकते हैं अगर आपको मोबाइल फोन मिल जाए अगर आपको कार किराए पर मिल जाए अगर आपको कोई टी शर्ट दे दे ठीक है देख जींस गिफ्ट में दे दे तो, तो दैट इज मूवेबल गिफ्ट द आंसर इज नो हम ऐसे मूवेबल गिफ्ट की बातें नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ये क्लियर कर लें कि हम मूवेबल गिफ्ट कौन सी इनकम कौन से मूवेबल गिफ्ट को हम टेक्सेबल करते हैं आई में तो

ठीक है बट क्या लैपटॉप एक कैपिटल एसेट होता है ठीक है पर्सनल लैपटॉप है आपके लिए क्या वो कैपिटल एसेट है द आंसर इज नो सर वो लैपटॉप एटी थाउजेंड रुपीज का था हमें गिफ्ट में मिला तो क्या वो टैक्सेबल होगा द आंसर इज नो वो गिफ्ट आपका कैपिटल नेचर का होना चाहिए यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपका दूसरा फ्रेंड आया है उसने आपको गोल्ड गिफ्ट कर दिया ठीक है फॉर एग्जांपल आप उसने आपको गोल्ड रिंग गोल्ड चेन गिफ्ट कर दी है या पेंटिंग्स ड्राॅइंग्स स्कल्पचर्स जो हमने कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में पढ़ते हैं ठीक है मूवेबल या फिर सिक्योरिटीज इवन शेयर गिफ्ट कर दिए हैं आपको तो तो दैट इज योर इनकम प्लीज यहां पर मूवेबल में एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि यहां पर वो मूवेबल गिफ्ट आपके कैपिटल नेचर के होने चाहिए अगर वो कैपिटल नेचर के नहीं है तो प्लीज उसको मूवेबल गिफ्ट में मत लाइएगा सर फिर कहां पर ले जाएंगे फिर कहीं मत लाइएगा दैट इज नॉट टेक्सीबल ठीक है मैंने यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ प्लीज रिमेंबर ओनली कैपिटल एसेट्स आर टू बी कंसिड अंडर मूवेबल गिफ्ट मूवेबल गिफ्ट में सिर्फ कैपिटल एसेट्स को ही कंसिडर कीजिएगा इफ सच मूवेबल गिफ्ट इज नॉट अ कैपिटल एसेट देन इट इज नॉट टेक्सेबल ठीक है तो क्या समझ में आया कि अगर सर कोई हमें क्लोथ्स गिफ्ट कर देता clothes, movable है क्लोथ्स मूवेबल है कैपिटल एसेट नहीं होते है. अगर कोई हमें मोबाइल फोन अगर कोई हमें लैपटॉप ठीक है अगर कोई हमें कार गिफ्ट कर देता है ठीक है पर्सनल है ठीक है कार गिफ्ट कर देगा तो इसमें से किसी भी चीज को टैक्सेबल मत कीजिएगा सर किसी ने गोल्ड गिफ्ट कर दिया है पेंटिंग्स ड्राॅइंग्स स्कल्पचर्स ऐसी चीजें महंगी पेंटिंग्स महंगी ड्राॅइंग्स महंगे स्कल्पचर्स आर्कोलॉजिकल कलेक्शन सिक्योरिटीज गिफ्ट कर दी है इसको टैक्सेबल खींचेगा ठीक है ओके कैश गिफ्ट दोबारा से रिपीट कर रहा हूं गिफ्ट को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे कैश गिफ्ट मूवेबल गिफ्ट कैश गिफ्ट जितने भी मिले आपको पूरे साल में जितने भी कैश गिफ्ट मिले उसको एग्रीगेट करिएगा ठीक है आपके फ्रेंड नंबर वन ने दिए फ्रेंड नंबर थ्री ने दिए सबको एग्रीगेट कीजिएगा ठीक है सर हमारे वो रिलेटिव्स ने दिए अब डिपेंड करता है कि आपको किस रिलेटिव ने दिए तो यहां पर मैंने रिलेटिव की में डिफाइन भी करा है कि किस किस रिलेटिव से आप गिफ्ट ले सकते हैं अगर आपने अभी थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं बट इसमें से अगर कोई भी रिलेटिव ने आपको कैश गिफ्ट दिया तो प्लीज उसको कंसिडर मत कीजिएगा क्योंकि उन लोगों से हम वो अभी मैं फिलहाल के लिए इसको बोल देता हूँ क्लोज रिलेटिव तो इन केस अगर आपको क्लोज रिलेटिव से गिफ्ट्स मिले हैं तो प्लीज उसको साइड में रख दीजिएगा उसको अलग कर दीजिएगा दैट इज नॉट टेक्सेबल दैट इज कम्प्लीटली कंप्लीटली एग्जेप्ट वो एक्जेम्प्ट रहेंगे ठीक है तो अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिले तो उसको ऐड मत कीजिएगा सर कोई ऐसे रिश्तेदार से गिफ्ट मिले हु इज नॉट अ वेरी क्लोज रिलेटिव बहुत फार ऑफ रिलेटिव है कोई कोई बहुत दूर का रिश्तेदार है तो फिर हां उसको कंसिडर कर लीजिएगा आप क्योंकि हमें सिर्फ ऐसे रिलेटिव से गिफ्ट मिले तो एग्जेप्ट कर दीजिएगा चलिए पढ़े पढ़ लें पहले इसको रिलेटिव में कौन कौन आएगा कि एक इंडिविजुअल किस किस से गिफ्ट ले सकता है एक इंडिविजुअल अपने स्पाउस से गिफ्ट ले सकता है ठीक है हस्बैंड अपने अपनी वाइफ से गिफ्ट ले सकता है वाइफ अपने हस्बैंड से गिफ्ट ले सकते हैं है, तो दैट इज नॉट टेक्सीबल एट ऑल ठीक है आप अपने ब्रदर या सिस्टर से गिफ्ट ले सकते हैं ब्रदर या सिस्टर से या ब्रदर और सिस्टर के स्पाउस से गिफ्ट ले सकते हैं ठीक है या फिर पेरेंट्स के जो ब्रदर सिस्टर होते हैं यानी कि पेरेंट्स के फादर के ब्रदर और सिस्टर ठीक है चाचा जी हो गए या फिर ताऊजी जी हो गए या फिर बुआ जी हो गई या फिर सिस्टर के सॉरी मदर के ब्रदर और सिस्टर मदर के ब्रदर और सिस्टर कौन होते हैं मामा ठीक है मामा जी और आ, मौसी ठीक है ये लोग आ, इन लोगों से गिफ्ट्स ले सकते हैं ठीक है मामा से ले सकते हैं से ले है, मौसी से ले सकते हैं चाचा से ले सकते हैं ताऊजी से ले सकते हैं बुआ जी से ले सकते हैं तो आप इनसे गिफ्ट ले सकते हैं सर क्या इनके जो स्पाउस हैं उनसे ले सकते हैं मतलब चाचा से ले सकते हैं तो चाची से भी गिफ्ट ले सकते हैं क्या या फिर अगर ताऊ जी से गिफ्ट ले सकते हैं तो क्या ताई जी से भी गिफ्ट ले सकते हैं आंसर इज यस नीचे नीचे लिखा हुआ है स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर्ड तो ये ऊपर हमने बातें की हैं उनके स्पाउस से भी गिफ्ट ले सकते हैं यानी कि चाचा चाची से भी ले सकते हैं या फिर मौसी या मौसा जी से गिफ्ट ले सकते हैं मामा से भी ले सकते हैं मामी जी से भी ले सकते हैं ठीक है और किससे ले सकते हैं लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल इंडिविजुअल के लीनियर असेंडेंट ये बात ये बातें आप जानते हैं यानी कि इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से ठीक है मदर या फादर से गिफ्ट ले सकता है या उनके ऊपर ठीक है ग्रैंड पेरेंट से वो गिफ्ट ले सकते हैं या डिसेंडेंट ठीक है सन या डॉटर या ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर से भी वो गिफ्ट ले सकते हैं या लीनियर असेंडेंट और स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल यानी कि जो इंडिविजुअल uh, के स्पाउस हैं ठीक है फॉर एक्जाम्पल हस्बैंड के लिए उनकी वाइफ है तो वाइफ के जो ऊपर है वाइफ के नीचे वाइफ के ऊपर कौन होंगे वाइफ के पेरेंट्स ठीक है उनके ग्रैंड पेरेंट्स से भी गिफ्ट ले सकते हैं मिला के फादर इन लॉ मदर इन लॉ से भी गिफ्ट लिया जा सकता है ठीक है तो ये लोग हैं रिलेटिव्स आपको एक दो बार इसको पढ़ना पड़ेगा आई बिलीव कि आपको ये बातें पता थी पहले से और रिवाइज़ मैं करा रहा हूँ और एक दो बार और पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन रिलेटिव हैं जिनसे हम गिफ्ट ले सकते हैं अगर आपको कैश गिफ्ट मिले या किसी भी तरह के गिफ्ट्स मिले वेदर मूवेबल इमूवेबल किसी भी तरह के गिफ्ट अगर आपको रिलेटिव से मिले तो उसको तो साइड में कर दीजिएगा दैट इज़ नॉट टेक्सीबल एट ऑल इनके अलावा जो दूसरे रिलेटिव्स हैं या फिर दूसरे फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे गिफ्ट्स लेते हैं तो टेक्सीबल हो जाएगा ओके कमिंग बैक सबसे पहले जो भी आपको पूरे साल गिफ्ट मिले लेट्स से दिस वॉज प्रीवियस ईयर 2021 जो भी आपको गिफ्ट मिले प्लीज़ उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कीजिएगा कि कैश गिफ्ट को अलग रखिएगा रिलेटिव्स वगैरह को छोड़ दीजिएगा उनके अलावा जो गिफ्ट्स मिले कैश गिफ्ट्स को अलग मूवेबल अलग इमूवेबल अलग कैश गिफ्ट को पहले देखिएगा कि पूरे साल जितने भी मिले उसका टोटल कितना है उसका एग्रीगेट कितना है अगर एग्रीगेट उसका पचास को एक्सीड कर जाए पचास को एक्सीड कर जाए तो फिर पूरा टेक्सीबल हो जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फोर्टी एट थाउजेंड मिले छोड़ दीजिएगा कैश गिफ्ट को फिर टेक्सीबल मत कीजिए फोर्टी नाइन थाउजेंड छोड़ दीजिएगा फिफ्टी थाउजेंड वन रुपी मिला फिर पूरा टेक्सीबल हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड वन रुपीज ठीक है दिस इज दिस वुड बी टेक्सीबल जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता था रेगुलर क्लास में कि किसी दिन आपका आ, आपका बर्थडे था और आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करा आपने दस फ्रेंड को इनवाइट करा और आपके दस फ्रेंड ने आपको पूरे साल कोई गिफ्ट नहीं मिले आपको बस बर्थडे पर आपको आपको गिफ्ट मिले आपके दस के दस दोस्त ने पाँच पाँच हज़ार रुपये दिए आपको तो फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड तो इस तरीके से दस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पचास हज़ार रुपये मिले आपको और कुछ नहीं मिला तो क्या टैक्सीबल होगा आंसर इज नो बट आपके बराबर में चिंटू था रहता है आपके पड़ोसी उसको आपने बुलाया भी नहीं पर वो भी आपको आपके बर्थडे पर आ गया और उसने आपको एक एनवलप दिया ठीक है उस एनवलप के अंदर कुछ भी नहीं था बट उसके ऊपर वन रुपी फिक्स होता है जो जो होते हैं ना लिफाफे

फ्रेंड uh, से मिले या फार ऑफ रिलेटिव से मिले उसको एग्रीगेट करना है जो IFOस में आने हैं ठीक है थीके? अगर आपको मूवेबल गिफ्ट मिलते हैं कौन से मूवेबल जो आपके कैपिटल हैं ठीक है थीके? याद रखिएगा वो मूवेबल गिफ्ट जो आपके कैपिटल अगर आपको मूवेबल गिफ्ट मिलते हैं तो अगेन उसकी दो कैटेगरी बनेंगी ठीक है आपके ऐसे मूवेबल गिफ्ट जिसके इसके लिए आपने बदले में कुछ पे नहीं किया यानी कि विदाउट कंसिडरेशन जैसे कि आपके फ्रेंड ने आपको गोल्ड दे दिया ठीक है ठीक है गोल्ड की मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल वन लाख रुपीस थी और बदले में आपने क्या दिया कुछ नहीं दिया ठीक है दैट इज अ प्योर प्योर गिफ्ट ठीक है हंड्रेड्रेड परसेंट प्योर गिफ्ट है तो जितने भी आपको मूवेबल गिफ्ट मिले हैं पूरे साल में प्रीवियस ईयर लेट से ट्वेंटी ट्वेंटी वन की हम बातें कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ठीक है इस साल में आपको जितने भी मूवेबल गिफ्ट मिले हैं उन सबका एग्रीगेट कीजिएगा विदाउट कंसिडरेशन वाले को अलग करिएगा कैटेगरी और अगर इनका टोटल पचास हजार से एक्सीड करता है इसकी फेयर मार्केट वैल्यू पचास हजार से एक्सीड करती है तो उस केस में आप लोग उसको टैक्सीबल कर दीजिएगा बट अगर एग्रीगेट टोटल मूवेबल गिफ्ट का कौन से मूवेबल गिफ्ट का विदाउट कंसिडरेशन अगर पचास हजार तक है उससे कम है तो छोड़ दीजिएगा सर कैश गिफ्ट का सिक्सटी थाउजेंड था और मूवेबल ऐसे विदाउट कंसिडरेशन का फोर्टी थाउजेंड तक तो क्या सर टोटल वन लाख टैक्सीबल हो जाएगा आंसर इज नो कैश गिफ्ट को अलग रखना है मूवेबल गिफ्ट को अलग रखना है ठीक है दोनों को अलग अलग एग्रीगेट करना है तो कैश गिफ्ट का अलग से एग्रीगेट करा पचास हजार से ऊपर था लेट से 60 था तो पूरा हो जाएगा बट मूवेबल विदाउट पचास हजार से विदाउट कंसिडरेशन ठीक है सर विद इनिकुएट कंसिडरेशन को अलग रखना है ठीक है पचास हजार की बात बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई मूवेबल गिफ्ट खरीदा कैपिटल एसेट के नेचर का सस्ते में सस्ते में मतलब आपने उसकी वैल्यू से कम पैसे पे किए हैं तो अगेन दैट इज ऑल्सो टैक्सिबल फॉर एक्ल अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है उसने आपको ज्वेलरी बेची ठीक है उसने आपको ज्वेलरी बेची ज्वेलरी की मार्केट वैल्यू थी वन लाख रुपीज बट आपसे चार्ज किए गए टेन थाउजेंड रुपीज उसने सिर्फ आपसे टेन थाउजेंड रुपीज चार्ज करे ठीक है तो आपको कितना फायदा हुआ सर नाइनटी थाउजेंड रुपीज का हमें फायदा हो गया जितना फायदा हुआ दैट इज योर इनकम और ऐसी इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा इनकम टैक्स ठीक है तो जितना आपको फायदा हो गया तो हम क्या करेंगे जो भी मूवेबल गिफ्ट्स मिले आपको पूरे साल में उन सबका एग्रीगेट करेंगे ठीक है कौन से गिफ्ट जो आपने कम प्राइस में परचेस करें जैसे यहाँ पर क्या आएगा यहाँ यहाँ पर ज़्यादातर जो अक्सर आप एग्जाम में दे, देखते हैं वो आता है शेयर्स ठीक है शेयर्स को किस में रखें बेटा बताइए जल्दी से कैश गिफ्ट में रखें इमूवेबल में रखें मूवेबल गिफ्ट में सर शेयर्स मिले तो मूवेबल गिफ्ट में आएंगे बट आपने परचेस करें रिड्यूस प्राइस पर अक्सर एग्जामिनेशन में आता है इस तरह के क्वेश्चन आप देखते हैं कि सोएनसो सो, मिस्टर सोएनसो ने पी के उन्होंने शेयर्स परचेस करे हैं ठीक है एक व्यक्ति ने ए ने बी को शेयर्स बेचे हैं ठीक है इतने प्राइस पर आप इनकम बताइए तो जनरली सब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कैपिटल गेन की इनकम बताते हैं ट्रांसफरर के हाथों में बट प्लीज ट्रांसफरी के हाथों में जो रिसीवर है उसके हाथों में भी देखिए शायद आई आ रही होगी क्यों क्योंकि उसने सस्ते प्राइस पर वो शेयर्स खरीदे हैं या वो मूवेबल गिफ्ट खरीदे हैं तो अगर आप सस्ता खरीदते हैं तो भी ये आपकी इनकम बन जाएगी कैसे करना है आपको जितने भी आपके ऐसे मूवेबल गिफ्ट्स हैं जो आपने खरीदे सस्ते प्राइस पर उसको अलग रखिएगा उसको प्लीज इसके साथ मिक्स मत कीजिएगा विदाउट विदाउटरेशन को अलग रखना है विद को अलग रखना है तो विद इनकुएटरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जितने भी आपको इस तरीके सस्ती चीजें आपने परचेज करी उन सबका एग्रीगेट कीजिए कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है देखिए साफ साफ लिखा है एग्रीगेट कीजिए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल सच गिफ्ट्स और फिर माइनस कीजिए इसमें से कि आपको फ़ायदा कितना हुआ है तो फायदा कितना हुआ है जितने उसकी मार्केट वैल्यू थी और इसको कंपेयर कीजिए कितने पैसे आपने उसको पे किए हैं तो जितने भी आपने पैसे पे किए हैं कंसिडरेशन पे की है इन सभी चीज़ों की एग्रीगेट करके देखिए कि आपने टोटल इनका कितना पैसा पे किया टोटल कीजिए एग्रीगेट ऑफ ऑल सच गिफ्ट्स माइनस कंसिडरेशन पेड फॉर ऑल सच गिफ्ट्स और अगर ये आपको लगता है ये फ़ायदा पचास से ऊपर का आ रहा है मतलब ये डिफरेंस ठीक है ये जो प्रॉफिट हो रहा है आपको पचास हजार से ऊपर का हो रहा है तो इट विल बिकम टेक्सीबल तो जितना भी आपको फायदा हो रहा है ठीक है फायदा कैसा है का? जो डिफरेंस आ रहा है इसका जितना भी आपको फायदा हो रहा है दैट वुड बी टेक्सीबल अंडर आई एफ ओ एस समझ में आ गया नेक्स्ट पर आते हैं इमूवेबल गिफ्ट्स पर गिफ्ट को भी क्या करना है सेम रखना है ऐसे आपको फ्री में मिले हैं. फ्री में मिले हैं ठीक है अगर आपको सर इस अपने रिलेटिव से मिले हैं ठीक है अपने स्पाउस से मिले हैं अपने फादर से मदर से मिले हैं ग्रैंड पेरेंट से मिले हैं तो ऑब्वियसली नॉट टेक्सीबल ठीक है अगर आपको एग्जाम में आता है कि मिस्टर सुवेंसो को पांच करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है अपने क्लोज रिलेटिव से इन सब से तो क्या कीजिएगा Not at all. But इनके अलावा अगर किसी और से मिली है तो टैक्सेबल हो जाता है ठीक है फिर टैक्सेबल हो जाता है. अब दो है, या तो gift, मिली है या फिर आपने सस्ते में खरीदी है ठीक तो है, मतलब है तो पहले मैं बातें गिफ्ट मिली मतलब क्या देखना है एग्रीगेट करना है आंसर इज नो प्लीज ध्यान रखिएगा मैंने कैश गिफ्ट में एग्रीगेट कराया मूवेबल गिफ्ट में एग्रीगेट कराया बट इमूवेबल गिफ्ट में एग्रीगेट मत कीजिएगा ईच प्रॉपर्टी को अलग अलग देखेगा दूसरी बात मूवेबल गिफ्ट में हम देखते हैं फेयर मार्केट वैल्यू बट हम इमूवेबल गिफ्ट में देखते हैं स्टैंप वैल्यू ठीक है याद रहेगा इमूवेबल गिफ्ट के लिए स्टैंप वैल्यू देखते हैं हर हर इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्लीज अलग अलग देखिएगा कि उसकी स्टैंप वैल्यू कितनी है ठीक है एग्रीगेट नहीं करना है यहां पर तो अलग अलग देखिएगा और अगर इसकी स्टैंप वैल्यू फिफ्टी थाउजेंड रुपीज से ज्यादा की है और आपको फ्री में मिला है तो दैट वैल्यू वुड बी टेक्सीबल तो वो आपकी इनकम बन जाएगी आई एफ ओ एस की मतलब रिसीवर की ठीक है सर जिसने दिया है मैं उसकी कौन सी इनकम बनेगी उसने तो आपको फ्री में दे दिया उसके लिए तो गिफ्ट है उसके लिए तो सेक्शन 47 नॉट एज ट्रांसफर यानी कि फॉर ए ए ने बी को A और बी आपस में दोस्त ए ने बी को इमूल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी तो ए सर ए का कैपिटल एसेट था ट्रांसफर हो रहा है बट इसने गिफ्ट दिया बाय वे ऑफ गिफ्ट हम लोग जानते हैं ट्रांसफर नहीं माना जाएगा ए के हाथों में कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा बट बी के हाथों में I के इनकम आएगी बिकॉज ही इज रिसीविंग सच गिफ्ट और अगर उसकी उसके पचास हजार से ज्यादा की और नॉर्मली प्रैक्टिकली इमूल प्रॉपर्टी पचास हजार से तो ज्यादा की वैल्यू होगी ही तो दैट वुड बिकम टेक्सीबल इन देंड्स ऑफ द रिसीवर अंडर आई एफ ओ एस पचास हजार कैसे देखना है एग्रीगेट या सेपरेट सेपरेट देखना है ठीक है दूसरी बात अगर आपने कोई इमूल प्रॉपर्टी खरीदी है ठीक है खरीदी है सस्ते प्राइस पर ठीक है उसकी स्टैंप वैल्यू से कम भी कम के प्राइस पर खरीदी है तो जितना भी आपने कम करा जितना फायदा आपका हुआ है दैट वुड बी योर इनकम हम उसको टैक्सेबल करेंगे यहां पर भी एग्रीगेट करने का आंसर इज नो हर प्रॉपर्टी को अलग अलग देखना है हर प्रॉपर्टी की स्टैंप वैल्यू को अलग देखना है माइनस जितना भी कंसिड्रेशन पे किया है और अगर ये फायदा पचास हजार से ऊपर का है पचास हजार से ऊपर का है तो ये टैक्सेबल हो जाता है बट आप लोग जानते हैं कि यहां पर टेन परसेंट के भी प्रोविजन है ठीक टेन परसेंट के भी प्रोविजन है अगर ये डिफरेंस टेन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन प्राइस से ज्यादा का नहीं है तो आप छोड़ देते हैं इसको याद आता है आप ठीक है फिर आप इसको छोड़ देंगे 10 वाली बात है तीन जगह चेंज हुई है एक तो फोर्टी थ्री सी में पीजीबीपी में दूसरा हमारा फिफ्टी uh, सी में कैपिटल गेन में पहले सब ये पांच पांच परसेंट हुआ करता था नाउ इट इज टेन टेन परसेंट और तीसरा यहां पर सेक्शन फिफ्टी सिक्स में ठीक है तो अगर ये डिफरेंस फिफ्टी थाउजेंड रुपीज बट टेन परसेंट वाली कंसिडरेशन भी चेक कीजिएगा इन दोनों में से जो भी हायर होगा ठीक है अगर ये उसको एक्सीड करता है तब इसको हम टैक्सेबल कर देंगे इनकेस देर इज अ प्रायर डेट एग्रीमेंट और कुछ ना कुछ कंसिडरेशन आपने दी हो अकाउंट पे चेक से अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से या कोई भी बैंकिंग मोड से तो हम पुरानी स्टैंप वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट ले सकते हैं तो आई बिलीव ये बातें तो आप तक आपको याद हो चुके होंगे ऑलरेडी दो जगह पर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन थर्ड ठीक है ओके दूसरी चीज द फॉलोइंग गिफ्ट विल बी एक्ज कौन कौन से गिफ्ट एग्जेम्ड होते हैं अगर हमें वो रिलेटिव से मिले तो रिलेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं अगर हमें रिलेटिव से किसी भी तरह के गिफ्ट मिले वेदर दे आर कैश वेदर दे आर मूवेबल गिफ्ट और इमूवेबल गिफ्ट पूरी तरीके से एग्जेम्ट रहेंगे अगर इंडिविजुअल की जिस दिन शादी है जिस दिन शादी है कोई एनिवर्सरी नहीं चलेगा बर्थडे नहीं चलेगा कोई और दूसरा ओकेजन नहीं चलेगा ठीक है तो जिस दिन इंडिविजुअल की शादी है उस दिन इंडिविजुअल गिफ्ट ले सकता है यानी कि ब्राइड या ब्राइड ग्रूम इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति गिफ्ट ले सकता है सिर्फ ब्राइड के फादर ने गिफ्ट लिया टेक्सीबल हो जाएगा ठीक है ब्राइड के फादर की थोड़ी शादी है ब्राइड ब्राइड की शादी है या ब्राइड ग्रूम की शादी है ठीक है दूल्हे के फादर ने लिया दूल्हे की मदर ने लिया तो उनकी शादी नहीं थी दूल्हे की शादी थी या दुल्हन की शादी थी तो वो लोग गिफ्ट ले सकते हैं ठीक है सर एनिवर्सरी पर बाकी किसी ओकेशन पर टैक्सेबल कर दीजिएगा ठीक है अंडर अ विल और एन इनहेरिटेंस अंडर अ विल ठीक है अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस अगर आपको विरासत में या वसीयत से गिफ्ट मिलता है तो दैट इज़ अगेन नॉट टेक्सीबल गिफ्ट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी नॉट टेक्सीबल गिफ्ट फ्रॉम एनी फंड फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी विच इज़ रिफर्ड अंडर सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री सी आपको टेन ट्वेंटी थ्री सी तक जाकर याद नहीं करना है बट सिर्फ याद रखिएगा हमें किसी फाउंडेशन uh, से या किसी यूनिवर्सिटी से गिफ्ट मिलता है ठीक है इन लोगों की इनकम एग्जम्ट होती है सेक्शन टेन में तो इन लोगों से अगर गिफ्ट मिलता है तो दैट इज़ अगेन नॉट टेक्सेबल या फिर हमें किसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन से चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से गिफ्ट मिलता है तो दैट दा, इज अगेन नॉट टैक्सेबल सेक्शन ट्वेल्ड डबल ए में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड होते हैं इन लोगों से गिफ्ट मिलता है तो दैट इज अगेन नॉट टैक्सेबल ठीक है दिस इज एन इंपॉर्टेंट लिस्ट कि कब कब हम हमारे गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होते हैं आई एफ ओ एस में एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट ये हमें अच्छे से आना चाहिए इसके ऊपर आप एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है कमिंग टू नेक्स्ट पोर्शन सेक्शन 57, 56 क्या पढ़ा हमने चार्जिंग सेक्शन 56 1, 56 2, 56 1 वाज जनरल चार्जिंग सेक्शन 56 2 स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 57 अगेन एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट देखो आई ओ में चार तो सेक्शन है ठीक है अब कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है तो चारों इंपॉर्टेंट बहुत छोटे छोटे सेक्शन से बट 57 सेवन इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट फिफ्टी सिक्स और 57 दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं 57 सेवन ने डिडक्शन विच आर अलाउड इंड आई ओ जब आप आई ओ की इनकम निकाली है तो कौन कौन सी डिडक्शंस आप दे सकते हैं अब इसमें से जो मैं इस बार एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो डिविडेंड के एक्सपेंस के बारे में अगर आपकी जो डिविडेंड इनकम हो रही है उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है उसके बारे में क्योंकि अब अमेंडमेंट आ गई है डिविडेंड इज नाउट टेक्बल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर और इसके एक्सपेंस के बारे में भी सेक्शन 57 भी अमेंड हुआ है सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन तो इनकेस अगर आपकी डिविडेंड इनकम हो रही है तो सर जो डिविडेंड इनकम अगर हो रही है तो हमारे जो बैंकर ने कलेक्शन चार्जेस लिए हैं या किसी और व्यक्ति ने कोई कलेक्शन चार्जेस दूसरे एक्सपेंस हो हुए क्या वो अलाउड है द आंसर इज नो ऐसे कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं है तो क्या सर डिविडेंड इनकम से कोई भी एक्सपेंस अलाउड नहीं है हैं। अगर आपकी डिविडेंड इनकम हो रही है डिविडेंड इनकम कैसे होती है आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं ठीक है पर जिन पैसों से आपने शेयर्स खरीदे हैं अगर वो आपने लोन लिया था वो पैसा ठीक है वो आपने लोन लिया था तो उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे ठीक है सबको समझ में आता है ठीक है आई अ लोन विच समवेयर तो अगर आपने कहीं से लोन लिया लिया था तो आप वो इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे तो वो इंटरेस्ट अलाउड है बट मैक्सिमम

खर्चा अलाउड नहीं होता डिविडेंड इनकम से ठीक ठीक है, है, है है, है है. अगर 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 मिलती pension. अगर pension मिलती मिलती देखो को, को को तो होती को, तो होती अक्सर आता रहता है एमसीक्यू के लिए ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है One third of such pension, और whichever is lower, exemption होता है. इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपनसेशन हम बात पहले भी बातें कर चुके थे इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपनसेशन डिलेड कंपनसेशन के ऊपर को अगर इंटरेस्ट मिलता है तो फिफ्टी परसेंट फ्लैट डिडक्शन आप दे देते हैं दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो जितना भी इंटरेस्ट मिलता है उसमें से थर्टी फाइव हंड्रेड की आपको डिडक्शन मिल मिल जाती है ठीक है या फिर साढ़े सात हजार रुपए तो ये अक्सर याद रखिए साढ़े तीन हजार रुपए ज्वाइंट अकाउंट है तो साढ़े सात हजार रुपए की यहां पर आपको सीधे सीधे फ्लैट डिडक्शन मिलती है आईएफओएस दूसरी जो आईएफओएस इनकम होती है तो उसमें से आप कोई भी एक्सपेंस अलाउ कर सकते हैं जो रेवेन्यू नेचर का हो बिल्कुल ठीक सेक्शन 37 के जो प्रोविजन होते हैं ना पीजीबीपी में बिल्कुल सेम लगा लीजिएगा अगर आपका कोई और दूसरी इनकम इंक, हो रही है आईएफओएस की लेट से आपने कोई आ, आप मशीन रेंट पर दी है तो मशीन रेंट पर दी है तो आपके कुछ खर्चे भी हो रहे होंगे लेट से आपने मशीन की रिपेयर कराते हैं ठीक है कोई भी और दूसरा खर्चा किया आपने रेवेन्यू नेचर का तो दैट इज अलाउड तो जो हमारी दूसरी इनकम होती है आई एफ की ठीक है इन केस ऑफ अदर आई एफ इनकम तो जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस आपने किए हैं टू अर्न सच इनकम वो अलाउड होते हैं ठीक है और कैजुअल इनकम से तो आप कोई डिडक्शन नहीं ले सकते वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो किसी व्यक्ति ने लॉटरी टिकट खरीदा फॉर एग्जाम्पल सौ रुपए का और उसकी लॉटरी लग गई एक लाख की तो वो क्या कह सकते हैं सर मेरा जो इनकम हुई है तो वन लाख रुपीज माइनस हंड्रेड हुई है हम कहेंगे नहीं कोई कैजुअल इनकम से कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होता है वो पूरा का पूरा वन लाख टैक्सेबल होता है और थर्टी परसेंट के टैक्स रेट पर आप टैक्सेबल कर देते हैं फिफ्टी सेवन इज इंपॉर्टेंट सेक्शन फिफ्टी एट ठीक है डिडक्शन नॉट अलाउड ठीक है काफी ज्यादा सिमिलर है पीजीबीपी का सेक्शन फोर्टी स्मॉल है थ्री ठीक है फोर्ट थ्री क्या होता था दस हज़ार से ज्यादा की एक दिन में पेमेंट नहीं होनी चाहिए फोर्टी टू में मेनली पढ़ते हैं हम अपने रिलेटेड पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू से अनरीजनेबल पेमेंट है तो जितना भी एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं दैट इज़ नॉट अलाउड फोर्टी स्मॉल ए में मेनली हम पढ़ते हैं जिसके चीज़ के ऊपर टी के प्रोविजन हैं अगर आप इस पर टी नहीं डिडक्ट कर रहे हैं या डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो हम ये डोमेस्टिक पेमेंट है तो थर्टी परसेंट कर देते हैं अगर आप इंडिया के बाहर पेमेंट कर रहे हैं तो हंड्रेड परसेंट कर देते हैं तो बिल्कुल सेम बातें यहाँ पर भी लिखी है सेक्शन फिफ्टी में कौन कौन सी डिडक्शन अलाउड नहीं होंगी किसी भी तरह का कैपिटल एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा ठीक है जैसे सेक्शन थर्ट थर्टी सेवन कहता है रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउड है कैपिटल एक्सपेंस अलाउड नहीं है पर्सनल एक्सपेंसेस कोई अलाउड नहीं किया जाएंगे दस हजार से ज्यादा की पेमेंट कर रहे हैं सिंगल पार्टी को सिंगल डे में दस से ज्यादा की अगर पेमेंट कर रहे हैं तो हम डिसअलाउ कर देंगे कोई अनरीजनेबल या एक्सेसिव पेमेंट कर रहे हैं अपने रिलेटेड पार्टी को तो भी हम ये टेक्सेबल सॉरी अलाउ नहीं करेंगे एक्सेस पेमेंट ठीक है पेमेंट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया विदाउट टी डी एस हंड्रेड परसेंट डिसअलाउ कर देंगे ठीक है डोमेस्टिक पेमेंट कर रहे हैं रेसिडेंट को और जिसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन लगने हैं और आपने टी अप्लाई नहीं किया है तो भी हम यहां पर आपका थर्टी परसेंट खर्चा डिस अलाउ कर देंगे और कैजुअल इनकम से तो कोई एक्सपेंस अलाउ करेंगे ही नहीं ठीक है so, देख एक बार करें 59 deemed डीम्ड ठीक है काफी कुछ सिमिलर टू सेक्शन 41 ऑफ पी ठीक है पी की 41 क्या कहता था मेनली अगर आपने पहले कोई भी एक्सपेंस क्लेम किया था और वो पैसे आपको रिकवर हो जाए जैसे कि फॉर एग्जांपल बेड डेट्स रिकवर हो गए तो वो आपकी इनकम डीम्ड पीजीबी हो जाती है बिल्कुल सेम प्रोविजन है फिफ्टी के भी आई के लिए कहते हैं कि अगर आपने आई एफ ओएस में कोई पुराना किसी भी अर्लियर प्रीवियस ईयर में कोई एक्सपेंस क्लेम किया था बट वो अगर वो आपका वापस एक्सपेंस रिकवर हो जाता है तो वो आपकी आई एफ ओ एस की इनकम बन जाएगी इन द ईयर इन विच सच रिकवरी इज रिसीव्ड तो एनी एक्सपेंस क्लेम्ड अंडर आई ओफ ओएस इफ सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड बाद में आपको कोई भी एक्सपेंस जो आपने पहले क्लेम किया था वो रिकवर हो जाता है तो इट इज मोर लाइक बेट डेट्स रिकवर्ड तो अगर आपके कोई भी ऐसे पैसे रिकवर हो जाते हैं तो ये इनकम बन जाएगी आई ओफ ओएस की इन द ईयर ऑफ रिकवरी इन द ईयर ऑफ रिकवरी आपकी इनकम बन जाती है सो दिस अबाउट चार्जिंग सेक्शन सेवन डिडक्शन अलाउड फिफ्टी डिडक्शन नॉट अलाउड फिफ्टी नाइन डीम्ड आई एफ एस कुछ और भी बातें करते हैं आई एफ एस के बारे में डीम डिविडेंड अब डीम डिविडेंड के इनफैक्ट प्रोविजन uh, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली इसलिए नहीं रहे थे रहे हैं क्योंकि अब सी के प्रोविजन्स हट गए हैं तो अब कंपनी को पता है कि अब वो जब कभी भी डिविडेंड देंगे अब उनको टैक्स नहीं देना शेयर होल्डर को टैक्स देना है इसलिए अब डीम डिविडेंड के प्रोविजन्स प्रैक्टिकली थोड़ी सी वैल्यू इनकी कम हो गई है ठीक है पहले तो लोग करते थे कंपनीज करती थी कि वो अलग अलग तरीके से डिविडेंड देने की कोशिश करती थी जिससे वो सी से बच सके बट अब तो सी ही नहीं है तो अब टेंशन नहीं रह गई है तो प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि अब डीम डिविडेंड से ज़्यादा अब एग्जामिनर को पूछना नहीं चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकली थोड़ी सी इनकी रिलेवेंस काफी थोड़ी नहीं बल्कि अच्छी खासी कम हो गई है बट फिर भी डीम डिविडेंट में क्या क्या आता है टू ट्वेंटी टू ए बी सी डी टू ट्वेंटी टू ए से लेकर टू ट्वेंटी टू तक प्रोविजन बने हुए हैं डीम डिविडेंट के कि अगर कोई भी कंपनी इस तरीके से भी डिविडेंट देती है तो इसको भी हम डिविडेंट ही मानते हैं डीम्ड डिविडेंट इसको भी हम डिविडेंट ही मानेंगे तो क्या क्या है यहां पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं टू ट्वेंटी टू ए में अगर कोई कंपनी डायरेक्ट कैश में डिविडेंड ना दे ठीक है अगर वो अपने दूसरे असेट्स रिलीज करती है और उसके पास अक्यूमलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो भी हम इसको डिविडेंट ही मानते हैं तो लिखा हुआ है टू ट्वेंटी टू ए में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ एक्ट प्रॉफिटेंट मानेंगे टू ट्वेंटी टू बी में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को सिक्योरिटीज इशू करती है लाइक डिवेंचर्स और फ्री में वो करती है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्ट प्रॉफिट उनको डिविड देना था उन्होंने डिविडेंट नहीं दिया बट दूसरी सिक्योरिटीज दे दी तो अगेन इसको भी हम डीम डिविडेंट मानते हैं टू ट्वेंटी टू बी में टू ट्वेंटी टू सी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं ये बातें हमने कैपिटल गेन में भी की थी कि अगर कोई भी कंपनी लिक्विडेट हो रही है उस समय जब वो अपने असेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है तो जितना भी उसके पास एक्यूमिलेटेड प्रॉफिट होता है उस अमाउंट तक उसको हम डिविडेंड मानते हैं टू ट्वेंटी टू डी में अगर कोई भी कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करती है ठीक है शेयर कैपिटल को रिड्यूस करती है बट उसके पास उस समय प्रॉफिट्स भी पड़े हुए थे तो जितने उसके प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं उसको हम डिडिविडेंट मानेंगे टू ट्वेंटी टू ई लगता है क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए ठीक है इट इज़ फॉर क्लोजली हेल्ड कंपनी प्राइवेट कंपनीज़ हैं या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है उनके लिए टू ट्वेंटी टू ई लगता है कि जब कभी भी अगर इनका कोई भी शेयर होल्डर या उसका कोई रिलेटेड पर्सन ठीक है वो शेयर होल्डर जिसके पास टेन परसेंट या उससे ज़्यादा के शेयर्स हैं जब अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी इनको लोन दे देती है तो ये लोग जनरली लोन वापस नहीं करते क्यों क्योंकि ये मेन मेजर ये शेयर होल्डर हैं तो ये लोन कुछ नहीं है दिस इज लोन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ डिविडेंड तो इसको भी हम डिविडेंड ही मानते हैं ठीक है याद आ गया टू ट्वेंटी टू ई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था पहले बट अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली रिलेवेंस इसकी कंपेरेटिवली काफी कम हो गई है बिकॉज सी डी टी के प्रोविजन्स चले गए हैं ठीक है वो हट गए हैं इसलिए डीम डिविडेंट मुझे पर्सनली लगता है कि इससे क्वेश्चन पूछा पूछना नहीं चाहिए स्टूडेंट से बिकॉज प्रैक्टिकली कम है इसकी रिलेवेंस हाँ जी एग्रीकल्चर इनकम एक्जेम्ट होती है हाँ सर बिल्कुल एग्रीकल्चर इनकम होती है उसके ऊपर हमें टैक्स नहीं देना अगर वो एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया अगर वो इंडिया से आ रही है तो एग्जेट होती है बट अगर ये इनकम इंडिया के बाहर से आ रही है एग्रीकल्चर आपके सिडनी में फार्म है ठीक है सिडनी में फार्म है या किसी भी और भी जगह पर आउटसाइड इंडिया से अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ रही है तो दैट इज इजेबल अंडर आई एफ ओ एस ठीक है सबको समझ में आ गया तो दिस वॉज आई एफ ओ एस डि चार्ट डिस्कशन आई बिलीव आपको अच्छा लगा हुआ डिस्कशन प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो कि हाउ यू आर फाइंडिंग दीज चार्टुक रिविजन ठीक है चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट रिविजन में डू ऑल्सो कमेंट कि अगर आप किसी और टॉपिक पर ऑलरेडी मोस्टली मेन टॉपिक आप किसी और चीज पर चार्ट रिविजन चाहते हैं तो प्लीज डू लेट मी नो आई मेक दैट वीडियो ऑल्सो थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर